प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन की। तो बच्चों, मियोसिस सेल डिवीजन की यदि हम बात करते हैं तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक मदर सेल होती है, ठीक है, वो माइटोसिस में भी होती थी। तो यहाँ पे जो मदर सेल है ये मेच्योर हो चुकी है, इनका जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं मेच्योर हो गई हूँ, अब मैं डिवाइड करती हूँ। तो डिवीजन हुआ, डिवीजन होने पर क्या होता है कि यहाँ पर चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। परंतु माता बड़ी खुश थी मदर सेल के भैया चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई है मेरे से, ठीक है। परंतु यहाँ पर ये आश्चर्य से ये देख रही थी कि मेरा जो न्यूक्लियस है वो तो डिप्लॉइड है, लेकिन जो मेरी डॉटर सेल्स है उनका हैप्लॉइड है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गया। और इस रीजन से इनको नाम दिया गया रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि माता की अपेक्षा जो डॉटर सेल्स थी उनका जो क्रोमोसोम नंबर था वो बिल्कुल आधा रह गया। तो भैया जिन सेल्स में ये मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा था, इन्होंने दरवाजा खटखटाया। किसका किसका दरवाजा खटखटाया? गॉड का। कहा भगवान, मियोसिस ने कहा, मियोसिस सेल डिवीजन जिसमें हो रहा था, इनके जर्म सेल्स में हो रहा था, उसने दरवाजा खटखटाया भगवान का और बोली, भगवान आपने ऐसा जुल्म क्यों किया कि जो मैं जब डिवाइड कर रही थी तो मेरी जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही थी उनका क्रोमोसोम नंबर आपने हाफ कर दिया, परंतु माइटोसिस के साथ तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा अत्याचार क्यों? तो भगवान ने कहा, पुत्री शांत, तुम स्पेशल हो, मियोसिस सेल डिवीजन स्पेशल है, तुम स्पेशल हो, तुम विशेष प्रकार की सेल्स हो जिनमें ये मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, जबकि माइटोसिस तो सब सेल्स में हो रहा है सिर्फ जर्म सेल्स को छोड़ के। उसने कहा, भाई ऐसा क्यों, मैं स्पेशल क्यों? एक तो आप मेरा क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस कर रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं मैं स्पेशल हूं। तो हाँ, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे प्रकार के सेल डिवीजन के ही कारण उत्पन्न होते हैं गैमीट्स, ठीक है, जर्म सेल से ही बनते हैं गैमीट्स, ठीक है। और जब इन गैमीट्स का, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, तब निर्माण होता है नए जीवन का, यानी कि लाइफ का। तो देखो यहाँ पर इस चीज को समझो कि जर्म सेल्स प्रोड्यूस होती हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये स्पर्म सेल थी, ठीक है, ये स्पर्म था जो हैप्लॉइड था, ठीक है, ये एग सेल थी, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड थी। जब इनका फ्यूजन हुआ, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गया, अगर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर मनुष्य की जर्म सेल्स में मियोसिस सेल डिवीजन हुआ तो जो स्पर्म सेल थे उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने हुए? 23। एग में कितने हुए? 23। ये प्रभु समझा रहे हैं अभी इनको। तो अब जब इनका फ्यूजन हुआ, यानी कि जब ये दोनों फ्यूज हो गई तो एक नई सेल का निर्माण हुआ जिसको नाम दिया गया जायगोट। और जब इन दोनों का न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हुआ तो 23 और 23 कितने हो गए? 46, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देखो अब इससे क्या हुआ कि जो नया ह्यूमन का बेबी बनेगा उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेंगे, ठीक है। जो नया बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेंगे, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर रहा है। ह्यूमन के अंदर नहीं, हर स्पीसीज के अंदर इस प्रकार के सेल डिवीजन से पहला फायदा तो ये हुआ, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर। क्योंकि क्या होता है, जब क्रोमोसोम नंबर ऊपर या नीचे हो जाता है तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार का व्यक्ति में डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि रिडक्शन सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक है, तो स्पर्म में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। ओवम में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इनका फ्यूजन होता तो जायगोट में कितने होते हैं? 92 क्रोमोसोम। तो क्या वो ह्यूमन रहता? तो वो ह्यूमन नहीं रहता ना। और अगर मान लो फिर इसमें जर्म सेल बनते तो 92, फिर 92, इस तरीके से फिर तो क्रोमोसोम नंबर तो बढ़ता ही चला जाता। तो वो ह्यूमन का तो कहते हैं ना, एक स्पेशल प्रकार का जो जीव था उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता। तो भगवान ने पहला तो मैंने इस तरीके से समझाया, और ये हाँ मैं इसलिए इंपॉर्टेंट हूँ, हाँ तुम इसलिए इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुम ही वो प्रकार का डिवीजन हो, तुम ही उस प्रकार की सेल हो जो गैमेट्स का निर्माण करती है, और तुम्हें ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन इसलिए कराया जाता है ताकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्टेबल रहे, ठीक है, आने वाली जनरेशन में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले। इसके साथ साथ जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि
मेल और पेयर है, मेटर्नल और पैटर्नल जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, उनके फ्रेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। इस रीजन की वजह से जो गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ये जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट होती है। वेरिएशन मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही वेरिएशन जो है वो आता है, और वेरिएशन क्या है, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, क्या है, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इसी के दौरान इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, ठीक है, जीन्स का। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रकार का सेल डिवीजन जो है माइटोसिस से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब मियोसिस सेल डिवीजन जिनमें हो रहा था उनकी समझ में आ गया कि क्यों भाई इस प्रकार का सेल डिवीजन होना जरूरी है। अब तो इनको गुरूर हो गया कि अगर हम नहीं होंगे तो मानव जाति या अन्य जाति में क्रोमोसोम नंबर स्टेब्लिश नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा वेरिएशंस नहीं आएंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब इनको सांत्वना मिल गई। तो अब बात करते हैं मेन डिवीजन की।